अब नए वीडियोस देखिए हर वेंसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हर जगह कोरोना फैला हुआ है। इस वजह से लोग आयुर्वेदिक उपचार अपना रहे हैं। काढ़ा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पर बहुत ज़्यादा मसाले डालने से ये फायदे से ज़्यादा नुकसान ही करता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कम मसालों के साथ काढ़ा कैसे बनाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। काढ़ा बनाने के लिए आप एक चम्मच जमाइन लें। जमाइन बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। एक छोटा चम्मच कूटा हुआ अदरक। अगर आपके पास फ्रेश अदरक नहीं है तो आप सॉल्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, दो इलायची, दो लौंग, पांच तुलसी पत्ता और 5 से 6 काली मिर्च और एक छोटा तेज पत्ता। ये सारे मसाले हमें 2 गिलास पानी के लिए चाहिए। अगर आप अलग अलग देखेंगे तो आपको देखने में ये मसाले बहुत कम लगेंगे, लेकिन सभी मसाले बहुत गर्म होते हैं। इस वजह से अगर वो साथ में बन रहे हैं तो काढ़ा बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। एक पैन में 2 गिलास पानी बॉयल करें। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप काढ़ा में कड़ी पत्ता जरूर यूज करें। कड़ी पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें सारे मसाले डाल दें। इलायची को खोल के डालें। अब फ्लेम को लो कर दें और इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही छोड़ दें। काढ़ा को कभी भी खौलाना नहीं चाहिए, उससे उसका सारा फ्लेवर उड़ जाता है। आप बीच बीच में इसे चलाते रहें। काढ़ा को आप हमेशा लो फ्लेम पे बनाएं, जिससे सारे मसालों का अर्क पानी में आ जाएगा। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो आप अपने काढ़ा में गुड़ को ऐड कर सकते हैं। काढ़े की कोई रेसिपी नहीं होती है, आप इसमें मसाले अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये आपको पता करना है कि आपके शरीर में क्या फायदा करता है और क्या नुकसान करता है, उस हिसाब से आप मसाले डालें। पंद्रह मिनट हो जाए तो आप काढ़े में 1/2 चम्मच काला नमक डाल दें। फ्लेम को ऑफ कर दें। अब काढ़ा बनके रेडी है। आप इस काढ़े को सुबह शाम पिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है तो आप रात को सोते समय काढ़ा पिए और एक चादर से अपने आप को कवर करके सो जाएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।